Morning students, now we will discuss merits of departmental undertakings. Previous video में हमने department undertaking पढ़ा और department undertaking के features पढ़े. Department undertaking क्या होता है, कैस किस तरह का business होता है और कौन इसकी management को handle करता है. एक ऐसा business जिसको गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट चला रहा है एज ए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एज ए पार्ट ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड उसकी मैनेजमेंट को मिनिस्ट्री हैंडल कर रही है, कंसर्न मिनिस्ट्री हैंडल कर रही है. तो आज हम डिस्कस करेंगे डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग के क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या मेरिट्स हैं. ये गवर्नमेंट का एक बिजनेस है, इसके कोई फायदे भी हो रहे हैं, तो आज हम ये डिस्कस करेंगे. स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स. वेरी फर्स्ट मेरिट से ईजी फॉर्मेशन. इस गवर्नमेंट के बिजनेस को फॉर्म करना इज वेरी इजी, बहुत आसान है. देयर इज नो नीड ऑफ एनी लीगल फॉर्मेलिटी. भाई गवर्नमेंट का बिजनेस है, गवर्नमेंट अपने बिजनेस के लिए फॉर्मेलिटी थोड़ी करेगी. एक जो है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर के बाद इसको जो है स्टार्ट कर दिया जाएगा. सरकार ने कोई डिसीजन लिया कि आपको यह बिजनेस स्टार्ट करना है और नेक्स्ट टाइम उस बिजनेस को स्टार्ट कर दिया जाएगा. तो यहां पर कोई भी फॉर्मेलिटी नहीं है, कोई भी रजिस्ट्रेशन की नीड नहीं है. आफ्टर गवर्नमेंट ऑर्डर इसको स्टार्ट कर दिया जाता है. तो इसकी फॉर्मेशन कैसे हुई, वेरी इजी, बहुत आसानी से डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग को फॉर्म किया जा सकता है. चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर स्टूडेंट्स हम बात करेंगे इफेक्टिव कंट्रोल. बहुत इंपॉर्टेंट है. डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग का जो कंट्रोल है वो क्या है, इफेक्टिव है. इफेक्टिव कंट्रोल कैन बी अचीव थ्रू डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग. कैसे पॉसिबल है, देखिए इनको संभाल कौन रहा. सबसे पहले इनको ट्रेंड ऑफिसर्स संभालते हैं. जो डिफरेंट जो है बोर्ड्स ने इंप्लॉयज ऑफिसर्स को हायर किया, वो क्या है, इनको संभाल रहे हैं. एंड आफ्टर द अप्रूवल ऑफ एक्टिविटीज, सारी की सारी एक्टिविटीज को अप्रूव किससे करा रहे हैं, मिनिस्ट्री से. गवर्नमेंट की देखरेख में काम हो रहा है तो ऐसा तो मिस हैपनिंग की तो चांसेस ही नहीं होगी. गवर्नमेंट भी चेक कर रही है, ऑफिशियल्स भी चेक कर रहे हैं, उसके बाद जो है वर्क को परफॉर्म किया जा सकता है. तो यहां पर जो कंट्रोल है वो बेस्ट होगा, क्योंकि कंट्रोल किनके हैंड में है, ट्रेंड ऑफिशियल्स के हैंड में है और मिनिस्ट्री के हैंड में है. तो इट कैन बी अचीव इफेक्टिवली. चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर हम बात करते हैं और वो पॉइंट है इंक्रीज इन गवर्नमेंट इनकम. स्टूडेंट्स समझिए, ये गवर्नमेंट इनकम को इंक्रीज करती है. डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग की वजह से गवर्नमेंट की इनकम बढ़ती है. क्यों बढ़ती है, क्योंकि डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग किसका जो है पार्ट है, एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का. इसकी इनकम किसकी इनकम मानी जाएगी, गवर्नमेंट की इनकम मानी जाएगी. अगर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग अर्न करती है इनकम, इट ट्रीटेड एज ए गवर्नमेंट इनकम. इन्होंने इनकम अर्न करी, किसको दी, गवर्नमेंट. गवर्नमेंट की ट्रेजरी में वो चली गई इनकम. तो गवर्नमेंट की इनकम को क्या किया इसने, पहले बढ़ाया, एड किया. जो भी इनकम अर्न करेंगे वो इनकम क्या करेगी, गवर्नमेंट इनकम को बढ़ा देगी. तो इसमें क्या जो है कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है. डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग की इनकम गवर्नमेंट इनकम को बढ़ाती है. हर साल अगर डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग क्या कर रही है, इनकम अर्न कर रही है, तो गवर्नमेंट की इनकम बढ़ती जाएगी. चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे डिक्रीज इन टैक्स बर्डन. फायदे पढ़ रहे हैं हम लोग, मैरिट्स पढ़ रहे हैं, ये क्या क्या काम कर रही है. अब बता रहे हैं कि टैक्स का जो बर्डन है वो भी कम कर देती है डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग. इनकम तो गवर्नमेंट की बढ़ाई, लेकिन टैक्स बर्डन भी कम कर दिया इन्होंने. किसका, पब्लिक का टैक्स बर्डन. स्टूडेंट्स
डिक्रीज इन टैक्स बर्डन, डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग कैसे लोगों के टैक्स की बर्डन को कम करेगी। अभी मैंने आपको लास्ट पॉइंट में बताया, अगर डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग इनकम अर्न करती है तो गवर्नमेंट की इनकम बढ़ जाती है, अगर गवर्नमेंट की इनकम बढ़ेगी तो गवर्नमेंट को आउटसाइड से इनकम लेने की कोई भी नीड नहीं होगी। देयर इज नो नीड टू पुट एक्स्ट्रा बर्डन ऑन पब्लिक। कैसे एक्स्ट्रा बर्डन जाती है? एक्स्ट्रा टैक्स लगाकर। अब गवर्नमेंट की खुद से ही इनकम हो रही है, गवर्नमेंट खुद ही इनकम अर्न कर रही है, देयर इज नो नीड टू पुट एनी एक्स्ट्रा टैक्सेस ऑन पब्लिक। गवर्नमेंट जो है टैक्स लगाती क्यों है, सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है, गवर्नमेंट टैक्स क्यों लगाती है? अपने खर्चों को पूरा करने के लिए। अब खर्चों को पूरा करने के लिए तो गवर्नमेंट की इनकम बढ़ ही रही है, डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग गवर्नमेंट की इनकम को बढ़ा रहे हैं, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को कोई भी नीड नहीं है एक्स्ट्रा टैक्स बर्डन लोगों पर डालने की। तो डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग की वजह से गवर्नमेंट की इनकम बढ़ी और गवर्नमेंट की इनकम बढ़ने की वजह से लोगों के ऊपर टैक्स की बर्डन कम हो गई। नेक्स्ट आता है इसकी एक मैरिट, वो है इजी फाइनेंसिंग। बहुत आसान तरीका है इन्वेस्टमेंट का, सारी की सारी इन्वेस्टमेंट कौन कर रहा है? गवर्नमेंट। डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग में डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग को पब्लिक से बोरो करने की नीड नहीं है, बहुत आसान तरीका है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो ये भी इसकी एक मैरिट है। फॉर्मेशन जो फाइनेंसिंग है वो बहुत इजी है, थ्रू गवर्नमेंट सारी की सारी फाइनेंसिंग होगी, कोई भी जो है कॉम्प्लिकेशन नहीं है फाइनेंसिंग के अंदर, तो जो है ये एक मैरिट है डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग की। इसको जो मैनेज कर रहा है फाइनेंसिंग को टोटली कौन कर रहा है? गवर्नमेंट कर रही है। अब नेक्स्ट आता है एक और मैरिट, जिसका नाम है प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। स्टूडेंट्स, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स क्या होता है? पूरी तरह से जो पैसा इन्वेस्ट किया गया है उसको यूटिलाइज किया जाए, जो पैसा है उसको पूरी तरीके से यूज किया जाए। प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो सकता है या मिस यूटिलाइजेशन भी हो सकता है, पैसे को पूरी तरीके से यूज ना, जितना उससे अर्निंग की जा सकती थी उस पैसे उस इन्वेस्टमेंट से, उसका मिसयूज नहीं हो रहा, उसको प्रॉपर तरीके से यूज करना। कैसे जो है डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट को प्रॉपर तरीके से यूज करती है, ये हम आपको बताएंगे। स्टूडेंट्स, अभी हमने इफेक्टिव कंट्रोल की बात की थी, जो भी एक्टिविटीज डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग परफॉर्म करती हैं आफ्टर द अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट करती है, गवर्नमेंट के माइंड ने या गवर्नमेंट की नजर में सारी की सारी एक्टिविटीज को जो है सबसे पहले देखा जाता है कि कौन सी एक्टिविटीज डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग परफॉर्म करने जा रही है। इट मींस गवर्नमेंट को सारी की सारी नॉलेज होती है डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग की एक्टिविटीज के बारे में। इसका मतलब कोई भी चांस नहीं है कि जो है पैसे को वेस्ट किया जाए, सारी की सारी एक्टिविटीज को गवर्नमेंट सबसे पहले चेक करेगी, तो देर इज नो चांस ऑफ मिस यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। पैसा जो है वेस्ट नहीं होगा क्योंकि सारी एक्टिविटीज को जो है गवर्नमेंट के अप्रूवल के बाद ही स्टार्ट किया जाएगा। तो ये तो थे मैरिट, ये तो थे फायदे किसके? डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग के। एक बार क्विकली हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, फॉर्मेशन बहुत आसान है, कोई भी लीगल फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है, पैसा जो इन्वेस्टमेंट जो है वो संभाली जाएगी गवर्नमेंट, कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। यहाँ पर जो बात की गई है गवर्नमेंट की इनकम भी जो है डिपार्टमेंट जो है अंडरटेकिंग बढ़ा रही है, अगर डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग अर्न कर रही है इनकम तो गवर्नमेंट की इनकम बढ़ेगी, गवर्नमेंट की इनकम बढ़ेगी तो लोगों पर टैक्स बर्डन कम होगा। अब एक और जो है फायदा हो जाएगा,
प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड भी डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग करती है, क्योंकि सारी की सारी एक्टिविटीज आफ्टर अप्रूवल स्टार्ट होती हैं, और आफ्टर अप्रूवल होगी तो कोई भी चांसेस नहीं होंगे फंड्स की वेस्टेज के। तो ये तो सारे फायदे थे डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग। ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं है जिसके अंदर लिमिटेशन ना हो, जिससे जो है नुकसान ना हो। तो हम देखते हैं डिसएडवांटेज या डीमेरिट्स या लिमिटेशन, हानियां देखते हैं डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग से क्या क्या जो है लिमिटेशंस क्रिएट होंगी। स्टूडेंट्स, हम इसको लिमिटेशंस भी लिख सकते हैं, डीमेरिट्स भी लिख सकते हैं। पहले तो फायदे पढ़े, अब हम पढ़ रहे हैं डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग के क्या क्या नुकसान हैं। सबसे पहला पॉइंट हम समझेंगे लैक ऑफ प्रॉम्प्ट एक्शन। ये प्रॉम्प्ट वर्ड क्या है? प्रॉम्प्ट मतलब क्विक, जल्दी। लैक ऑफ प्रॉम्प्ट एक्शन मतलब इसकी एक नुकसान है। डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग में डिपार्टमेंट बिजनेस जो है जल्दी से डिसीजन नहीं ले सकते, क्विकली एक्शन नहीं ले सकते। ऑल द एक्टिविटीज नीड्स अप्रूवल ऑफ मिनिस्ट्री। जो बिजनेस चल रहा है, बिजनेस की कोई भी एक्टिविटी है, सबसे पहले तो उसको अप्रूव कराना पड़ेगा मिनिस्ट्री से, और मिनिस्ट्री से अप्रूव कराएंगे तो इट टेक्स टाइम, टाइम जो है लेगा, और टाइम लेगा तो एक्शन में डिले होगा। तो नुकसान है, बड़ा लंबा प्रोसेस है वे। सबसे पहले अगर जो एक्टिविटीज बिजनेस को परफॉर्म करनी है अपने आप से नहीं परफॉर्म कर सकते, मिनिस्ट्री से जो है कंसर्न मिनिस्ट्री से अप्रूवल चाहिए इसका। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर हम बात करेंगे लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है? जब कोई चीज को हम चेंज कर सकते हैं, वो रिजिड नेचर का नहीं है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसको बदल सकते हैं। कि यहां पर डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग का एक नुकसान बताया गया है। कहते हैं कि डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग फ्लेक्सिबल नहीं है। ऑल द थिंग्स आर प्लान्ड, रूल एंड रेगुलेशंस आर प्लान्ड, सारी की सारी चीजें पहले से क्या है, डिसाइडेड है। इट इज डिसाइडेड बाय मिनिस्ट्री। सारी की सारी चीजें डिसाइडेड होती हैं तो देर इज नो चांस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। जो भी रूल एंड रेगुलेशन एक बिजनेस को चलाने के लिए गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिया, वो सारे के सारे रूल एंड रेगुलेशन को स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। क्या यहाँ पे रूल एंड रेगुलेशन को हम बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते। तो यहाँ पर जो चांसेस हैं वो फ्लेक्सिबिलिटी के बहुत कम रहते हैं। आफ्टर द अप्रूवल कुछ फ्लेक्सिबल हो सकता है, लेकिन इट टेक्स टाइम। तो फ्लेक्सिबिलिटी इन बिजनेसेस में नहीं होती। जो चीजें पहले से प्लान्ड है, प्री डिसाइडेड है, उन पर ही बिजनेस को काम करना पड़ेगा। कोई भी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने या अपॉर्चुनिटी, कोई भी अवसर है मार्केट के अंदर, उस अवसर को ये डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग के बिजनेस अपने आप से अडॉप्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? ऑल द थिंग्स आर प्रीवियसली प्लान्ड। सारी की सारी चीजें पहले से प्लान है कि आपको क्या क्या काम करना, कोई भी नया काम नहीं हो सकता। तो यहां पर क्या है, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। नेक्स्ट पॉइंट लिमिटेशन का पड़ेगी लैक ऑफ इंसेंटिव। लैक ऑफ इंसेंटिव क्या होता है? इंसेंटिव की कमी। ये इंसेंटिव क्या होते हैं? आपको प्रोत्साहित करना, आपको मोटिवेट करना। जो भी डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग को रन कर रहे हैं, क्या उनको इंसेंटिव मिल रहे हैं? नो। यहां पर जो कमी है वो किस चीज की? इंसेंटिव। जो भी ऑफिशियल्स काम कर रहे हैं, जो भी इंप्लॉयज काम कर रहे हैं, उनको इंसेंटिव नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? और जब इंसेंटिव नहीं मिलता तो लोग एक्स्ट्रा काम क्यों करें? इंसेंटिव क्यों नहीं मिलता? ऑल द सैलरीज, जो सारी की सारी सैलरीज हैं ऑफिशियल्स की, एम्प्लॉयज की, वो प्लान्ड है कि इतनी आपको सैलरी मिलेगी, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं मिलेगा। इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा तो इंसेंटिव नहीं मिलेगा, कोई भी मॉनेटरी बेनिफिट नहीं मिल रहा। तो क्या यहाँ पर चांसेस हैं कि एक ऑफिशियल या एक एम्प्लॉय अपने एक्स्ट्रा एफर्ट करे एक बिजनेस को चलाने के लिए?
बिजनेस की एक्स्ट्रा इनकम अर्न करने के लिए? नो, देर इज लैक ऑफ इंसेंटिव. यहाँ पर लैक ऑफ इंसेंटिव है, लोगों का मोटिवेशन लेवल कम है, लोगों को एक्स्ट्रा इनकम के चांसेस कम है, तो उसकी वजह से जब इंसेंटिव नहीं मिलेगा तो डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग की इनकम को बढ़ाने के लिए एम्प्लॉयज भी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करें. एक एग्जाम्पल ले लें हम लोग प्राइवेट बैंक का, पब्लिक बैंक का. प्राइवेट बैंक के अंदर जो बैंकर है, अगर वो एक्स्ट्रा काम करता है तो उसको इंसेंटिव दे दिया जाता है. अगर हम पब्लिक बैंक की बात करें, क्या वह ऐसा है? सरकारी बैंक की बात करें, आपकी सैलरी फिक्स है भाई, आपको इतना काम करना, 9 to 5 की जॉब है, 9 to 5 की जॉब परफॉर्म कर दीजिए. क्या कोई एक्स्ट्रा एफर्ट करने के लिए हमारे रेडी है? क्यों? अगर आपको एक्स्ट्रा इनकम के चांसेस नहीं है तो आप एक्स्ट्रा वर्क भी नहीं करेंगे, या इंसेंटिव नहीं दिए जाते डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग के अंदर, जिसकी वजह से लोग एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करते डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग की इनकम को बढ़ाने के लिए. चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम चलते हैं, लैक ऑफ कॉम्पिटिटिव फील. स्टूडेंट्स, लैक ऑफ कॉम्पिटिटिव फीलिंग क्या होता है? यहाँ पे कॉम्पिटिशन की भावना नहीं है. क्यों? जनरली हमने ऑफन रिसी हम क्या देखते हैं, जो डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग होती है अक्सर देखा जाता है मोनोपोली नेचर की होती है. जैसे रेलवे का एग्जांपल ले लें, रेलवे क्या है? एक मोनोपोली बिजनेस है. अब मैम एक क्वेश्चन आता है, मोनोपोली क्या होता है? ये मैंने प्रीवियस वीडियो में जो है आपको डिस्कस किया था कि पब्लिक एंटरप्राइजेस के कुछ सेक्टर हैं जो मोनोपोली नेचर के, उसमें रेलवे क्या है? मोनोपोली बिजनेस है. किसका? डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग का. मोनोपोली बिजनेस ऐसे बिजनेस होते हैं जिनकी कोई भी कॉम्पिटिशन नहीं होता मार्केट के अंदर. मोनोपोली बिजनेस ऐसे बिजनेस होते हैं जो एक सिंगल सेलर चला रहा है, एक मार्केट में एक सिंगल सेलर है जो एक पर्टिकुलर सर्विस या पर्टिकुलर प्रोडक्ट से जुड़ा होगा, उसका कोई भी सब्सिट्यूट नहीं है, कोई और वैसा प्रोडक्ट नहीं बना रहा. तो हम यहां पर बता रहे हैं कॉम्पिटिटिव फीलिंग नहीं आएगी डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग. अगर रेलवे का कोई ऑप्शन मिल जाता, कोई और जो है फैसिलिटी दे रहा होता, तो गवर्नमेंट भी रेलवे को बेटर करती, क्योंकि वहां पर कॉम्पिटिशन किसको इंक्रीज करता है? क्वालिटी को. कंपटीशन की वजह से क्वालिटी एनहेंस होती है, लेकिन यहाँ पर तो कंपटीशन फीलिंग ही नहीं है. इसका मतलब जो डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग है वो क्या करती है, समटाइम एक्सप्लॉइट करती है पब्लिक को, क्योंकि उनके पास कोई भी कंपटीशन नहीं है, कोई भी ऑप्शन नहीं है जो उनको सर्व करे, जिसकी वजह से वो प्राइजेस भी बढ़ा देती है और क्वालिटी को डिक्रीज भी कर देती है. तो कॉम्पिटिशन फीलिंग ना होने की वजह से क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज एंड प्राइस कॉम्प्रोमाइज जो है पब्लिक को करना पड़ता है, जो डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग इनको सर्व करेगी. तो ये भी एक नुकसान है डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग का, क्योंकि समटाइम वो क्या होंगी, मोनोपोली नेचर की होंगी, और कॉम्पिटिटिव फीलिंग ना होने की वजह से वो लोगों को एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट कर देंगे. नेक्स्ट आता है इंक्रीज इन टैक्स बर्डन. स्टूडेंट्स, हमने मैरिट में पढ़ा, ये टैक्स बर्डन को कम करती है. अब मैं बता रही हूँ टैक्स बर्डन को बढ़ाती है, उल्टा हो गया, क्योंकि हम यहां पर क्या पढ़ रहे हैं, लिमिटेशन. टैक्स बर्डन एक जो है डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग कैसे बढ़ाएगी? अगर डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग को लॉस हो जाए, अगर डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग को अपने बिजनेस से लॉस हो जाए, इस लॉस को कैसे कवर अप किया जाएगा? इस लॉस को गवर्नमेंट की ट्रेजरी से, गवर्नमेंट का जो खजाना है उससे जो है कवर अप किया जाएगा. देखिए सारी की सारी जो फाइनेंसिंग है गवर्नमेंट ही कर रही है, नुकसान भी होगा तो कौन पूरा करेगी? गवर्नमेंट पूरा करेगी. और जब ट्रेजरी जो है उसमें लॉस आता है तो गवर्नमेंट क्या करती है, पुट एक्स्ट्रा टैक्स. गवर्नमेंट क्या करेगी, एक्स्ट्रा टैक्स को लोगों पर डालने लग जाएगी. तो यहां पर टैक्स बर्डन कब बढ़ेगी, जब डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग बिजनेसेस को लॉस होगा, जिसकी वजह से गवर्नमेंट के ट्रेजरी में लॉस होगा, और उस ट्रेजरी के जो है लॉस को कवर करने के लिए गवर्नमेंट एक्स्ट्रा जो है बर्डन लोगों पर
टैक्स का डालेगी। तो ये भी एक लिमिटेशन है, अगर भाई डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग को लॉस हो रहा है तो लोगों पर टैक्स ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट इंपोज करेगी। नेक्स्ट आता है मोर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। समझिए स्टूडेंट्स, मिनिस्ट्री जो है डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग को मैनेज कर रही है। मिनिस्ट्री क्या है? पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है। जो मिनिस्ट्री है वो प्रायोरिटी किसको देगी? पार्टी को देगी। पार्टी के फेवर में क्या है उसको देखते हुए बिजनेस को सारे के सारे जो है डिसीजन दिए जाएंगे, बिजनेस के लिए, बिजनेस चलाने के लिए डिसीजन दिए जाएंगे। क्या यहां पर कंट्री के कंसर्न से कोई बात हो रही है? नहीं। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस क्यों है? क्योंकि ये सरकार का ही एक जो है बिजनेस है। डेफिनेटली मिनिस्ट्री भी संभाल रही है और मिनिस्ट्री का रेगुलरली क्या हो रहा है? इंटरफेरेंस हो रहा है। तो यहां पर चांसेस क्या होंगे मोर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के? यहां पर पार्टी को प्रायोरिटी दी जाएगी ना कि बिजनेस को प्रायोरिटी दी जाएगी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर हम बात करें, रेड टैपिज्म। लास्ट पॉइंट है ये लिमिटेशन का, रेड टैपिज्म। स्टूडेंट्स, इसको ब्यूरोक्रेसी भी बोला जाएगा, रेड टैपिज्म भी बोल दीजिए या ब्यूरोक्रेसी जो है मैनेजमेंट भी बोल सकते हैं आप लोग। क्या होता है? डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग की मैनेजमेंट कैसे ब्यूरोक्रेटिक नेचर की होती है? रेड टैपिज्म की होती है। अननेसेसरी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको ही हम क्या बोलते हैं? ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट या रेड टैपिज्म। यहां पर अननेसेसरी पेपर वर्क को परफॉर्म किया जाता है, अननेसेसरी जो रूल एंड रेगुलेशन जिनकी कोई जरूरत नहीं है डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग में, वो रूल एंड रेगुलेशन की वजह से समटाइम जो डिसीजन होते हैं वो क्या होते हैं? प्रॉम्प्ट डिसीजन नहीं होते। तो इस तरह की मैनेजमेंट जो है यहां पर है, और जब प्रॉम्प्ट डिसीजन नहीं होते, क्विक डिसीजन नहीं होते, तो इसका जो है नुकसान होता है। कोई भी अपॉर्चुनिटी को क्विकली ग्रैब नहीं किया जा सकता, जल्दी से नहीं लिया जा सकता, जिसकी वजह से प्रॉफिट के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं बिकॉज ऑफ ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट या रेड टैपिज्म सिस्टम, जहां पर अननेसेसरी रूल इम्पोज किए जाते हैं, अननेसेसरी रेगुलेशंस जो है इम्पोज किए जाते हैं, अननेसेसरी पेपर वर्क, फाइल वर्क करवाया जाता है, जिसकी वजह से वर्क डिले हो जाता है। तो हमने इसकी लिमिटेशंस के बारे में बात करी। देखिए लिमिटेशन में क्या था, सबसे पहले हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। एक्शंस बहुत डिले होते हैं, सारे एक्शंस के लिए मिनिस्ट्री को जो है वेट करनी, मिनिस्ट्री के डिसीजन की वेट करनी पड़ती है। फ्लेक्सिबल नहीं है, जो रूल एंड रेगुलेशन बना दिए उनको चेंज नहीं किया जा सकता। इंसेंटिव कोई नहीं मिलता, इसलिए कोई एफर्ट एक्स्ट्रा नहीं डालता। लैक ऑफ कॉम्पिटिटिव फीलिंग, मोनोपोली नेचर की हो सकती है डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग, जिसकी वजह से कोई कॉम्पिटिशन नहीं होगा, कॉम्पिटिशन नहीं होने की वजह से क्वालिटी एंड प्राइस में एक्सप्लॉइट कर सकती है। टैक्स बर्डन बढ़ता है, टैक्स बर्डन क्यों बढ़ता है? डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग के लॉस को कवर करने के लिए सरकार क्या करती है? एक्स्ट्रा टैक्स जो है लोगों पर इम्पोज करती है। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ज्यादा होती है, मिनिस्ट्री संभाल रही है तो रेगुलरली पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होंगी। रेड टैपिज्म एक ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट है, जहां पर अननेसेसरी डिले होती है, अननेसेसरी रूल एंड रेगुलेशन की वजह से, जिसकी वजह से प्रॉफिट जो है डिक्रीज होता है। तो ये सारी थी लिमिटेशंस। एक पॉइंट स्टूडेंट्स हम एक और डिस्कस करेंगे आपसे, यूटिलिटी ऑफ डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग। What is utility? ये economics में आपके जो है आपने पढ़ा होगा, a power to satisfy human need। एक power है utility, जिससे क्या होता है human की needs को satisfy किया जाता है। Department undertaking की utility क्या है? Department undertaking किन situations में अपनी utility को बढ़ाएगी? फायदे कब होंगे? कौन सी situation में सरकार डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग बिजनेस को स्टार्ट करें? हम बताते हैं आपको। सबसे पहले ऐसे बिजनेसेस जहां पर गवर्नमेंट कंट्रोल की सबसे ज्यादा नीड है, ऐसे कौन से बिजनेस होंगे जहां पर गवर्नमेंट का ही कंट्रोल होना चाहिए,
मैं यूटिलिटी की बात, फायदे बता रही हूं। कैसी सिचुएशन में डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग आपको फायदा देगी? गवर्नमेंट को डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग जो है बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, पहली सिचुएशन मैं आपसे डिस्कस कर रही हूं। ऐसे बिजनेसेस जहां पर पूरा का पूरा गवर्नमेंट कंट्रोल होना चाहिए। एग्जाम्पल सुने, डिफेंस, जब बात होती है आपकी सुरक्षा की, जैसे हम बात करें हथियार बनाना, बम बनाने, ये सारी चीजें क्या हैं? इनके अंदर सीक्रेसी चाहिए। क्या यहां पर किसी और का कंट्रोल हो सकता है, प्राइवेट सेक्टर का? नहीं। तो जो डिफेंस होगा वो क्या होगा, उसमें सीक्रेसी की नीड है, टोटली कंट्रोल गवर्नमेंट का होना चाहिए। इस वजह से डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग को, बिजनेस को वहां पर एस्टेब्लिश करना चाहिए। डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग ऐसे बिजनेस में मोर यूटिलिटी को जनरेट करता है। तो पहला मैंने आपको बताया, जहां पर गवर्नमेंट कंट्रोल की सबसे ज्यादा या सीक्रेसी की सबसे ज्यादा जरूरत हो, वहां पर डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग बिजनेस को गवर्नमेंट को शुरू करना चाहिए, स्टार्ट करना चाहिए। और क्या यूटिलिटी हो सकती है बच्चों? जहां पर पब्लिक वेलफेयर की बात हो, पब्लिक वेलफेयर कहां पर जरूरी होता है? पब्लिक वेलफेयर जहां पर मेजोरिटी ऑफ पीपल किसी सर्विस को यूज करते हैं, पुअर भी रिच भी सभी लोग जो है यूज कर रहे हैं, पब्लिक वेलफेयर की बात आए, वहां पर जो है रेलवे पब्लिक वेलफेयर में आता है। वहां पर गवर्नमेंट ने क्या किया, डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग बना दिया, रेलवे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है, जब क्या है वो पब्लिक को वेलफेयर कर रही है। अगर हम एग्जाम्पल ले लें, एक जो है आप प्राइवेट बस की बात कर लीजिए और जो है रेलवे की बात कर लीजिए। प्राइवेट बस क्या करेगी, आपसे चार्ज करेगी बहुत सारे पैसे, और जो रेलवे है एज कंपेयर वो लोगों का वेलफेयर करती है, बहुत कम प्राइस के अंदर आपको फैसिलिटी देती है। जो पब्लिक वेलफेयर की बात आएगी तब भी आप डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग को जो है प्रायोरिटी दे दीजिए। कंट्रोल की बात आएगी, आपका कंट्रोल गवर्नमेंट का कंट्रोल चाहिए तो डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग बना दीजिए। और सुनिए, जहां पर पब्लिक यूटिलिटी की बात होती है, पब्लिक यूटिलिटी जैसे लोगों के लिए फायदा हो, हमें फायदा कब होगा, हम लोग क्या यूज करते हैं जो हमारे लिए नेसेसिटी है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ये सभी लोगों को जरूरत है, यहां पर पब्लिक यूटिलिटी जनरेट होती है। ऐसे बिजनेसेस पावर से रिलेटेड, वाटर से रिलेटेड, ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड, ये सारे क्या असेंशियल है लोगों के लिए, पब्लिक यूटिलिटी को जनरेट करते हैं। तो ऐसे बिजनेसेस किस में आने चाहिए, डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग में आने चाहिए। और भी कुछ हो सकता है? यस, जहां पर हैवी इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर दे, रेलवे की बात कर दे, रेलवे में बहुत पैसा इन्वेस्ट करने की नीड होती है। क्या कोई प्राइवेट सेक्टर वहां पर इतनी इन्वेस्टमेंट करेगा? नो। तो ऐसे बिजनेसेस कहां पर आएंगे, डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग, जहां पर सीक्रेसी की जरूरत होगी तो सरकार क्या करेगी, डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग बना देगी। जहां पर पब्लिक यूटिलिटी की जरूरत होगी, सरकार क्या करेगी, डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग। जहां पर ह्यूज इन्वेस्टमेंट की जरूरत हो, वहां पर सरकार क्या करे, डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग बना दे, जिससे डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग की यूटिलिटी इनहेंस होगी, फायदा देगी ऐसी सिचुएशंस के अंदर। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।